बरेली के थाना आमला क्षेत्र की रहने वाली बलात्कार पीड़िता ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की है कि इसके द्वारा थाना सुभाष नगर में लिखाई गई बलात्कार के मुकदमे में पुलिस ने एफआईआर लगा दी। बलात्कार पीड़िता का कहना है कि उसके फोटो उसकी ससुराल में वायरल किए, जिन फोटो को दिखाकर उसका बलात्कार किया जाता था। पीड़िता ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की गुहार लगाई है। कार्यवाही नहीं हुई तो मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह करने की धमकी भी दी है। बरेली के थाना आंवला क्षेत्र की रहने वाली महिला ने एसएसपी से शिकायत की है कि वह सोशल मीडिया के जरिए सुभाष नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति से मिली, जिसका नाम अमन शर्मा है। अमन शर्मा ने शादी का झांसा देकर उसके कुछ फोटो बना लिए थे। महिला का कहना है कि उसे फोटो को दिखाकर उसके साथ अमन शर्मा ने कई बार बलात्कार किया। जब महिला ने अमन शर्मा से शादी करने के लिए कहा तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद महिला के परिवार वालों ने उसकी शादी दूसरी जगह करा दी। इसके बाद भी अमन शर्मा नहीं माना। उसने लगातार महिला से फोन पर संपर्क बनाए रखा और उसे दोबारा से अपने पास बुलाने लगा। जब महिला ने आने से इनकार किया तो उसके फोटो ससुराल में भेज दिए। इस प्रकरण को लेकर थाना सुभाष नगर ने अमन शर्मा के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा पंजीकृत किया है। इस पर महिला का आरोप है कि पुलिस ने अमन शर्मा से सांठ गांठ कर मुकदमे में एफआईआर लगा दी। महिला ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोपी से मिलकर एफआईआर लगाए जाने की बात कही है। महिला ने अपनी जान का खतरा अमन शर्मा और उसके पिता राम गोपाल शर्मा से बताया है। इस बात पर महिला ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है और अगर कार्यवाही नहीं हुई तो मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह करने की धमकी भी दी है। बरेली मंडल से हूँ और कुछ साल पहले मेरे संपर्क में अमन शर्मा नाम का लड़का आया था, जिसने मुझे शादी का झूठा प्रलोभन दिया था। मैंने उस पर विश्वास किया, हर जगह उससे मिली। जब मैंने शादी को कहा तो उसने साफ मना कर दिया और मेरे मिलने पर जो उसने मेरी बिना जानकारी के जो फ़ोटो लिए थे, मैंने उसे जब उसको डिलीट करने को कहा तो उसने नहीं किया और उसके माध्यम से मुझे बार बार ब्लैकमेल करके हर जगह बुलाता रहा और मेरा शोषण किया उसने। उस प्रकरण में एफआईआर दर्ज हुई थी और उसमें विवेचक ने विवेचना अपनी जो है एफआईआर रिपोर्ट प्रेषित की थी। इस पर आपत्ति लगाई गई है और इसको पुनः रिव्यू उसके करने के लिए सीओ सेकेंड को भेजा गया है। विवेचक जो है इसको पुनः एक बार देखेंगे, कोई तथ्य जो उसमें है छोटे तो नहीं है। उसके बाद जो सुसंगत होगा वह कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।